नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज, मैं हनी यादव। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा, मैंने कहा था मैं जल्द ही आऊंगा, आ गया। आज हम कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और दोपहर 1 बजे पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से मैं आप सबके बीच हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत याचिका दे दी है। जमानत मिलने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आए, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे करेंगे सर कैंपेन। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ।